हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। और आज है रामनवमी, तो आप सबको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है गुरुवार और 30 तारीख है आज। बस पूजा पाठ हो चुका है और हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। हाँ बेटा, पापा गए ऑफिस। हाँ तो जल्दी ही जाते ना, इसको सुनकर उठ जाओगे। अभी ये लोग सो रहे हैं क्योंकि आज है स्कूल की छुट्टी और ट्यूशन की भी छुट्टी। वैसे ट्यूशन की छुट्टी है नहीं, पर मैंने आज करवा दी ट्यूशन की छुट्टी, नहीं भेजूंगी आज ट्यूशन। और यहाँ हो रहे हैं बादल जैसे, मैं बताऊँ आपको, और गर्मी भी हो रही है, मतलब इतनी उमस वाली गर्मी हो रही है और बादल हो रखे हैं, एकदम अच्छे वाले बादल हो रखे हैं। आए बारिश तो अच्छा है, वैसे भी जो नुकसान होना था वो तो हो ही चुका है, 2-3 बारिश पड़ के। अब ऐसा कोई नुकसान होगा नहीं, पड़े तो अच्छा मौसम ठंडा होगा। बहुत गर्मी थी आज रात को, मतलब अच्छी वाली गर्मी थी, भयंकर गर्मी थी, बहुत गर्मी थी रात को, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और अभी देखो बादल बादल हो रखे हैं, तो आए बारिश तो अच्छा है, थोड़ा ठंडा हो जाए मौसम। नहीं बाबू है सोना है, देखो बारिश आनी चाहिए बेटा, ये देखो। और मैंने पीला सिंदूर लगाया देखो, क्योंकि आज के दिन ना पीला सिंदूर ही लगाते हैं माता जी को। मतलब ऐसे तो मैं जो रेगुलर जो वैसे लगाते हैं ना सिंदूर वो लगाती हूँ, लेकिन ऐसे कोई फेस्टिवल होता है, ऐसा कुछ खास पूजा होता है ना, तो पीला सिंदूर से ही हम लोग करते हैं, तो इसलिए माता जी को लगाया तो मैंने भी लगा लिया, टीका भी लगाया। बस बने रहिए ब्लॉग में। और मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ पूरी के लिए, और पूरी बना के फिर मैं बनाने वाली हूँ हलवा। और हमारे यहाँ हलवा और पूरी का ही भोग लगता है माता जी को, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। और नमकीन अभी मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी गैस पे, यानी सब्जी वगैरह अभी नहीं बनाऊँगी, बाद में बनाऊँगी जब मैं पूजा कर लूँगी। और हमेशा मैंने मम्मी को ऐसे ही देखा है, मतलब हलवा और पूरी का ही भोग लगाते हैं, मतलब मेरी सासू मम को। एक्चुअली मेरे मायके में अलग तरीके से होता है, मतलब वहाँ पे दाल भर के पूरी बनाई जाती है और खीर बनाई जाती है, मतलब गुड़ वाली खीर बनाई जाती है, और उससे पूजा होती है। और रामनवमी की पूजा बोलते हैं, नवमी की पूजा बोलते हैं, तो वहाँ पे उस तरीके से होती है। बट यहाँ पे मैंने हमेशा मम्मी को इस तरीके से हलवा पूरी ही भोग लगाते देखा है, तो इसलिए देखो ससुराल में जैसा होता है ना वैसा ही हमें करना पड़ता है। यहाँ मैंने आटा लगा के रख दिया है, जब तक सेट होगा जब तक मैं मंदिर का बर्तन धो लूँगी, जो पूजा का बर्तन है वो सारा मैं क्लीन कर लूँगी। और मुझे एक्चुअली उठना था थोड़ा जल्दी, मतलब जल्दी यानी मैंने अलार्म नहीं लगाया था वैसे, बट ऐसा होता है ना कि आप सोच के सोते हो कि इतने बजे उठना है, तो मेरा ऐसा ही है कि मैं उठ जाती हूँ बट नींद पूरी नहीं होती, पता नहीं क्यों। मुझे 5:30 बजे उठना था, 5-5:30 बजे के बीच में उठना था, बट मैं उठ नहीं पाई। और मैं उठी हूँ 6 बजे के बाद में, 6:15 बजे। और उसके बाद में उठने के बाद तुरंत काम तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत टहलना, थोड़ा बहुत इधर उधर जाना। चावल उतार दो, चावल उतार दो ना ऊपर से ज़रा, हाँ संभरना भी है। तो वो सब करते 6:30 हो गया, तब से मैं लगी फिर। और मेरा गैस पूरा प्लेटफॉर्म मैंने छोड़ रखा था साफ़ करने के लिए, मैंने रात को जानबूझ के साफ़ नहीं किया कि एक बार साफ़ कर दूँ ना तो फिर से उठ के सुबह मुझे करना ही पड़ता, मतलब पोछना तो पड़ता ही, खैर धोना वोना नहीं पड़ता पर पोछना तो पड़ता ही। मैंने जानबूझ के छोड़ दिया कि सुबह उठ के ही मैं करूँगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही सुबह काम पड़ गया। और फिर क्योंकि आगे कर मेरे लोग सो रहे थे, तो खाली आगे कर छोड़ के फिर पूरा मैंने साफ़ सफाई किया, और मतलब पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, सब किया, तो टाइम तो थोड़ा लग ही जाता है ना लगते हो काम में। तो ये कुर्सी पर खोल से भर दो ना, जिसमें भर आता है डब्बा, देखना ध्यान से खोलना आपको ढक्कन का, उसका ऊपर देखो कितना बैठा हुआ है, दिख रहा ना ये रहा। हाँ जैसे कटोरे वटोरे से भर दो जरा, मैंने बोला ढक्कन उल्टा मत करना। कितने बजे से लगी पता है आपको? पूरे घर की साफ सफाई, किचन पूरा साफ किया, बर्तन कितना था देखा था सिंक भर के, वो पूरा किया,
और पास खोल दो। वो करती तो है नहीं, सिखाते आया कि सिखाने आ जाती है। वही अच्छा नहीं लगता ना, मेरे बस का नहीं है, भारी है, इसलिए बोलना पड़ता है आपको कुछ कामों के लिए। फटाफट बनाओ। हाँ तो फटाफट ही तो बना रही हूँ। और मेरी ना ये आदत है कि मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो हस्बैंड को ज़रूर बताती हूँ, मतलब जैसे सारा दिन मैंने क्या कुछ किया, कुछ एक्स्ट्रा काम किया होता है, जिस दिन अच्छे से कुछ काम किया होता है तो उस दिन अगर ऑफिस से आएंगे ना तो मैं बोलूँगी कि हाँ आज मैंने ये काम किया, या अभी जैसे सो रहे थे तो मैंने काफ़ी सारा काम कर लिया तो फिर मैं बताती हूँ, भले मुझे शाबाशी मिले ना मिले बट हस्बैंड को बता के मुझे तसल्ली ज़रूर मिलती है, भले वो शाबाशी दें या ना दें या उस चीज़ को माने या ना माने बट मुझे बता के मेरे मन को हल्का ज़रूर लगता है। ऐसे इनको नहीं पता चलता है कि मैं कितना काम करती हूँ, यानी रोज़ का जो काम रहता है इनको ऐसा लगता है बस ये तो चुटकी बजाते ही हो जाता है काम, कौन सा काम ज़्यादा है, घर का ही तो काम है। लेकिन जब मैं बीमार पड़ती हूँ ना, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तब इनको रियलाइज़ होता है कि हाँ मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ, क्योंकि तब मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ तो थोड़ा बहुत तो देखो करना ही पड़ता है, अगर ज़्यादा कुछ नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत तो आपको घर संभालना ही पड़ता है, तब इनको रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई घर में काम है। और ऐसी चीज़ें होती है कि जब तक आपको झेलना ना पड़े, आपको फेस ना करना पड़े तब तक आपको रियलाइज़ नहीं होता है, जो कोई भी सिचुएशन यानी जब तक आप फेस नहीं करते हो ना जब तक आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि कितना छोटा है कितना बड़ा है काम जो भी है। और वैसे भी देखो सबको अपना काम ना बड़ा ही लगता है, दूसरे का छोटा लगता है। कितनी सारी बातें कर ली ना मैंने आप सबसे, ऐसा ही होता है कभी कभी हम ट्रैक से उतर जाते हैं, मतलब बात क्या हो रही होती है और बात कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता, तो वैसे ही हो गया अभी, बात में क्या बोल रही थी और फिर मैं क्या ही बोलने लग गई। तो यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी हैं और मुझे अचानक ही याद आया कि जब हम प्रसाद के लिए बनाते हैं, भोग के लिए बनाते हैं तो सिर ढक के ही बनाना चाहिए, तो इसलिए मैंने सिर ढक लिया। जल्दीबाजी इसलिए भी है कि मतलब हस्बैंड को जाना है ऑफिस 9 बजे से पहले जाना है, तो उससे पहले पूजा पाठ हो जाए तो अच्छा है, और बाद में फिर मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी और अकेले करते भी नहीं हैं ये पूजा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि मतलब हस्बैंड पूजा करके फिर जाएँ। और बच्चों के लिए जब उठेंगे, जब मैं देखूंगी क्या बनाना है क्या करना है, वैसे तो मैंने हलवा और पूरी तो सबके लिए बनाया है बट सब्जी अगर ये बोलेंगे कुछ तो मैं बना दूंगी, और हस्बैंड के लिए मैंने सब्जी बाद में बनाई थी, यानी पूरी सब्जी ये जो पूरी हलवा बनाने के बाद में पूजा करके फिर मैंने बनाई थी, मैंने शूट नहीं किया है बट मैंने थोड़ा सा बना के उनको दे दिया था जल्दीबाजी में, अब बच्चे उठेंगे जो बोलेंगे तो फिर मैं बना के दे दूँगी। वैसे भी इनके जाने के बाद में बच्चों की अलग डिमांड होती है, अलग फरमाइश होती है कि अगर मैं कुछ बनाई भी रहती हूँ टिफ़िन के लिए और एक्स्ट्रा भी बना लेती हूँ तो बच्चों का जो खाने का मन होता है कुछ अलग से तो मैं फिर बना के देती हूँ, बनाना ही पड़ता है मुझे मतलब, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया सब्जी कि हस्बैंड को दे दूँ और फिर बच्चे उठेंगे जो बोलेंगे तो मैं बना के दे दूँगी, क्योंकि कभी कभी इनका मन होता है अलग कुछ खाने का तो फिर मैं पूछ के ही बनाऊँ जब मैंने अभी बनाया नहीं है, तो इसीलिए मैंने रहने दिया थोड़ा सा ही बनाया। बस यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ तलनी शुरू कर दी है, और ये चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी, आप सब ने भी नोटिस करी होगी कि जब हम प्रसाद के लिए भोग के लिए खाना बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट मतलब अलग ही लेवल का होता है, अलग ही लेवल का होता है। मैं आपको बताऊँ कि मतलब मैं आटे का हलवा बनाती हूँ ऐसा नहीं है बट आज जो आटे का हलवा मेरे हाथ से बना है ना तो मैं क्या ही बोलूँ, इतना टेस्टफुल बना था मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा। यानी आप नॉर्मल दिनों में ऐसा कोशिश करो, एफर्ट्स लगाते हो आपके अच्छा बने, सोच के बनाते हो कि हाँ भाई अच्छा बने, बट वो आज वाला टेस्ट नहीं आ पाता है जब हम भोग के लिए बनाते हैं, कुछ प्रसाद के लिए बनाते हैं तो ये टेस्ट हमें नहीं मिल पाता है। पूरियाँ बन गई हैं और इसके बाद में जो घी बचा हुआ है तो उसी में मैं डाल दूँगी आटा, जैसे मैंने बताया कि आटे का ही हलवा बनाऊंगी मैं, और एक्चुअली मैंने पूड़ियाँ भी घी में ही बनाई हैं तो किसी को ये ना लगे कि तेल में पूड़ी तली है उसी में हलवा बना रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने पूड़ियाँ भी घी में ही बनाई थी तो उसी में जो बचा हुआ था तो उसमें मैंने डाल दिया है आटे को और अच्छे से भुन गया है आटा। उसके बाद मैंने चीनी आज पहले डाला है, हमेशा बाद में डालती हूँ पानी डालने के बाद में, बट आज मैंने चीनी पहले डाला है तो थोड़ा सा मुझे ऐसा था कि अच्छा बने इस वजह से, लेकिन बहुत अच्छा बना था, सही में बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना था। और हो सकता है कि जो घी था वो बहुत ज़्यादा गर्म था तो डालते ही जो हमारा आटा है वो एकदम से अच्छे से भुन गया, तो इस वजह से माँ का आशीर्वाद भी होता है ना, माँ का मतलब वो भी होता है कि आप माँ के लिए बनाते हो भगवान के लिए बनाते हो तो वो अलग ही बनता है, अलग ही टेस्ट होता है उसका, तो बहुत अच्छा बना था हलवा।
और यहाँ ये अपना रेडी हो रहे हैं, रेडी शेडी हो रहे हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया कि इनको ही पूजा करना है, तो ये पूजा करेंगे और उसके बाद जाएंगे ऑफिस, तो इसलिए ये अपना रेडी शेडी हो रहे हैं। कितना भी आप जल्दी करो ना, थोड़ा बहुत तो फिर लास्ट में ये होता है ना, भागम भाग आपको करना ही पड़ता है, कितने भी जल्दी आप उठ लो, लेकिन फिर वो भागम भाग वाला जो सिचुएशन है ना लास्ट में वो क्रिएट हो ही जाता है कि बस जल्दी करो जल्दी करो, और ये बोलते रहते जल्दी करो जल्दी करो। तो पता है कोई आपको बोलने वाला होता है ना, ऐसे कोई पीछे से बोलने वाला कि जल्दी करो, तो फिर आप ज़्यादा ही वो हो जाते हो कि हाथ पे, मेरा तो हाथ कांपने लगता है कि जल्दी जल्दी, नहीं मैं कर ही रही हूँ अपनी तरफ से तो जल्दी कर ही रही हूँ, लेकिन फिर कोई बोलता है तो फिर वो ज़्यादा इरीटेशन होता है। और यहाँ पे मैंने भोग की थाली रेडी कर ली है और हस्बैंड भी नहा लिए हैं, तो बस हम लोग पूजा करेंगे। और पानी मैं रख चुकी हूँ, लेकिन ये अलग से भी पानी चाहिए होता है, तो इसलिए मैं ग्लास में लेके जा रही हूँ, लोटे में मैंने पानी वहाँ पर रख दिया है। और ये क्लिप है आज शाम की ही, 30 तारीख थर्सडे है आज, और 7:30 बजे का क्लिप है ये। और इतनी तेज, इतनी भयंकर आंधी तूफान बारिश आया था कि क्या ही बोलूँ, कुछ उम्मीद नहीं थी ऐसे कि होगा, मतलब बादल तो थे तो सुबह से, जैसे मैंने आप सबसे शेयर भी किया वीडियो के स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया सुबह का था और ये अभी मैंने शाम का वीडियो बनाया जो आंधी तूफान आया था, तो बहुत ही खतरनाक वाला आंधी तूफान है ये, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कहीं कहीं पर नुकसान भी हुआ होगा। अपने आप बंद हो रहा है दादी, तूफान है ये, तूफान बंद कर दे, बंद कर दे दादी, बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर, बंद कर, ये बंद कर ना, गमला ना गिर जाए मेरा, बंद कर दो यार, हाँ हाँ गमला ना गिर जाए, इतनी देर से तूफान है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, देख तो सही, देख तो सही, पापा क्या उल्टी कर रहा है, पापा पानी उल्टी कर रहा है। ओह
ये वाला भी बंद कर दो, ये वाला भी बंद कर दो, ये वाला भी बंद कर दो। नहीं आया ना कैमरे में, देखो ना। हाँ पूरा पानी पानी भरा है कैमरे पे।